26 मई को मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसीलिए हमने एक नई पड़ताल, एक नई सीरीज की आज से कर दी है शुरुआत। मोदी सरकार ने इन 4 सालों के दौरान जिन जिन बड़ी योजनाओं का ऐलान किया था, उन बड़ी योजनाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब 2019 की राजनीति भी चरम पर पहुंचने लगी है, क्योंकि हर एक दल अपनी राजनीतिक गोटियां उसी के हिसाब से तय करने जा रहे हैं। और इसी सीरीज की कड़ी में आज सबसे पहले बात करेंगे उज्ज्वला योजना की, जिसे मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक की तरह ले रही है और हमने देखा था यूपी चुनावों के दौरान इसका फायदा भी बीजेपी को मिला था। उज्ज्वला योजना की क्या है हकीकत और क्या है फसाना, यह रिपोर्ट देखिए। सांस आती है, एकदम घबराहट सी होती है, धुआं लगता है, खांसी उठाते हैं, आंसू आ जाते हैं। गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेंगे, तब मन में याद रखिए ये जो पैसे देश में बचने वाले हैं वो किसी न किसी गरीब के काम आने वाले हैं। अब उज्ज्वला गैस मिलने के बाद पढ़ाई अच्छा होती है, टाइम भी मिलता है। उज्ज्वला ने तो पूरे भारत की जिंदगी बदल दी, एक नया भारत बना दिया। बलिया की सीमा, बूंदी की फागुन, जहानाबाद की सजनी, धमतरी के फागुराम, मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के ये वो 4 किरदार हैं जिनकी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वो योजना है जिसे मोदी सरकार चुनाव जिताने वाली योजना मानती है, लेकिन मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद क्या है इस योजना की हकीकत? क्या वाकई इस उज्ज्वला ने लोगों की जिंदगी में ला दिया है उजाला? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। घरों में चूल्हे से निकलता धुआं, फूकनी से चूल्हों में रोटी बनाने की जंग, गरीब निर्बल पीपीएल लोगों की जिंदगी की कड़वी सच्चाई। देश के गरीब के घरों में गैस का चूल्हा एक सपना बनकर रह गया था। हिंदुस्तान के जो निर्धन निर्बल गरीब पिछड़े दलित समाज के हैं, जिनका आंख फूटता था, जो धुएं में रहती थी, जो गरीबनी माँ कम उम्र में मोतियाबिंद का शिकार हो जाती थी, ऐसे निर्धन निर्बल गरीबनी माँ जो चूल्हा फूकते फूकते अंधी हो जाती थी, उनके तरफ का भी आपका ध्यान नहीं गया। अगर उस गरीबनी माँ के तरफ किसी का ध्यान गया तो नरेंद्र मोदी है, जिसने उनको हजारों लोगों को उन्होंने वो गैस चूल्हा दिया। लोगों के सपने को वाकई में हकीकत की शक्ल देने की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने ही की, नाम दिया उज्ज्वला योजना। जिस बलिया से मोदी ने इस योजना की शुरुआत की, वहां की रहने वाली सीमा की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। सीमा के ससुर रिक्शा चलाते हैं और पीएम मोदी ने सीमा को अपने हाथों से गैस कनेक्शन दिया था। कनेक्शन कैसे मिला था गैस का? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दिए हैं। प्रधानमंत्री के हाथ से मिला था? हाँ, रिक्शा चलाते हैं बाबूजी। अच्छा। तो वहीं कमा के ले आते हैं तो गैस भराता है। तब शायद सीमा को उम्मीद भी नहीं रही होगी कि उसकी जिंदगी में ये गैस सिलेंडर उजाला लेकर आएगा। बाकी लोगों की कहानी दिखाने से पहले दर्शकों को बता दें कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इसके तहत 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को 3 साल के अंदर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देना शुरू कर दिया। भारी सफलता की वजह से सरकार ने योजना को आगे बढ़ाते हुए 2018-19 के बजट में देश के 8 करोड़ लोगों को कनेक्शन का लक्ष्य रखा। 21 मई 2018 तक देश में करीब 3.5 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। अजमेर के शन्नू खान और बूंदी की हसीना की कहानी बिल्कुल अलग अलग है। शन्नू का परिवार जहां गैस सिलेंडर मिलने से खुश है और जिंदगी की गाड़ी फर्राटे भर रही है, वहीं बूंदी की हसीना मायूस है कि उसे मोदी सरकार की इस योजना का फायदा नहीं मिला। पहले सुनिए शन्नू खान को।
उज्ज्वला गैस कब लिया आपने? साल भर होगी बाबू जी। साल भर से आ रही है? आ रही है। ये फ्री में मिली या इसके लिए कोई पैसे दिए आपने? फ्री मिली साहब। फ्री मिल रही है। हालांकि अजमेर की रहने वाली राजस्थानी कपड़ों में दिख रही बादामी देवी इसलिए परेशान है क्योंकि बीपीएल कार्ड होने के बावजूद उज्ज्वला योजना का लाभ इन्हें नहीं मिला है। क्या दिक्कत आ रही है? गैस कनेक्शन मिला नहीं मिला आपको? बाबूजी नहीं मिले, 12 महीना हो गया भागता, कोई गैस मिला, कोई बिजली मिली, कोई नहीं मिला, नहीं पानी का बंदोबस्त। अजमेर से आगे बूंदी चले तो यहाँ की हसीना बानो आसपास के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा चलाती है, लेकिन उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला। नहीं मिला कनेक्शन, कुछ भी नहीं है। तो कैसे खाना बनाते हो? ये छोटी टंकी है, मोहल्ले में ली है, इस पे खाना बनाती हूँ। खत्म होने वहाँ पैसे होते बनाती हूँ, पैसे नहीं होते तो नहीं बनाती हूँ। जबकि बूंदी के महावीर कॉलोनी में रहने वाली फागुन को उज्ज्वला योजना की वजह से गैस मिल गई तो इनका परिवार खुशी खुशी सिलेंडर से खाना बना रहा है। पहले हम चूल्हे में बनाते थे खाना और अब हमें गैस मिल गया सरकार की तरफ से, अब उसका लाभ मिल गया, हम जल्दी निमट जाते हैं खाना वाना बनाने से। और पहले बहुत टाइम लगता था हमें बनाने में खाना बनाने में। राजस्थान के इन चार चेहरों में से दो के चेहरे सिलेंडर मिलने से खुश हैं, तो दो इस बात से परेशान हैं कि उनकी जिंदगी में अभी उज्ज्वला के उजाले ने दस्तक नहीं दी है। दर्शकों को हम बता दें कि राजस्थान वो राज्य है जहां साल के अंत में चुनाव होने हैं और उज्ज्वला योजना वो स्कीम है जिसके दम पर बीजेपी चुनाव जीतने की रणनीति बनाती है। यूपी के नतीजों में उज्ज्वला का अहम रोल रहा था। योजना के तहत यूपी में करीब 73.5 लाख, राजस्थान में करीब 29 लाख, बिहार में करीब 52 लाख, पश्चिम बंगाल में करीब 53.3 लाख, मध्य प्रदेश में करीब 36 लाख लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। अब बिहार ले चलते हैं आपको। आर्थिक रूप से पिछड़े बिहार में लोगों को सिलेंडर मिला लेकिन गैस भराने के पैसे नहीं है। जहानाबाद की रहने वाली सजनी देवी मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही हैं, जबकि इनके घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी है और चूल्हा भी, लेकिन पैसे नहीं है कि दोबारा सिलेंडर भरा सके। पैसा नहीं है, गरीबी हालत है। तो आपको आपको मिला था ना गैस? मिला था हाँ। तो क्या किया उसको? मिला था तो पैसा नहीं था, किया से भरा है। तो उसको क्या किया, गैस को क्या किया? गैस धायल है मचान कर, फायदा क्या हुआ? पैसा कौड़ी है या नहीं है तो क्या से भराएं? ये धमतरी जिले के चंदरपुर गांव के फागुराम का घर है। यहाँ उज्ज्वला योजना के उजाले की किरण अभी तक नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से ये लोग ईंट भट्टे में जलने वाली लकड़ी की आग से चूल्हा जलाकर खाना पकाते हैं। गैस नहीं मिला है, अब ऐसे जमा कर रहे हैं, फोटो कॉपी करवा के, राशन कार्ड भी, खाता आधार कार्ड को भी नहीं मिला है। परेशानी होते है, चूल्हा में आग जलाते हैं, खाना बनाते हैं, जंगल से लकड़ी लाते हैं। कुल मिलाकर उज्ज्वला योजना के उजाले की रोशनी को सरकार तो जमीन पर उतारना चाह रही है, लेकिन सिस्टम के शैतान और गरीबी की समस्या इस विकास योजना के राह में रोड़े अटका रही है। हमारा मानना है कि सरकार इस योजना का एक बार मूल्यांकन करे और जो कमियां हैं उसे दूर करे। ये सरकार जो भी करेगी वो गरीबों की भलाई के लिए करेगी, गरीबों के कल्याण के लिए करेगी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।